गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करते हो मेरे सारे फ्रेंड्स बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो आज है सैटरडे, जस्ट रात को, कल यस्टरडे रात को हम लोग गोवा से आए हैं और कल मैं कुछ भी और शूट नहीं कर पाई। तो यस, आज सुबह से ही थोड़ा सा टायर्ड थी जिसकी वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैंने सोचा कि थोड़ा आराम से, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाओ, देन मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। सुनाई दे रहा है ना, मैं बैल्कनी में आई हूँ इसलिए कितना नीचे से गाड़ी जा रही, आवाज़ आ रही। तो एनीवेज, अभी जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने सामान लेके आई, नॉन वेज आइटम, वेजिटेबल्स एंड ऑल। तो आज मैं बहुत औसम वाला सब रेसिपीज कुक करने जा रही हूँ और बहुत सारे काम भी करने जा रही हूँ। जाने के टाइम पे तो सीधा मैं निकल जाती हूँ, तो अब वीडियो करती हूँ। आने के बाद घर का क्या हालत होता है और घर के क्या क्या काम होते हैं वो भी मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो देखते रहिए इस वीडियो का एंड तक, आशा करते हो आप लोग को अच्छा लगेगा। सब आज नॉन वेज खरीद के लाए। यहाँ पे प्रॉन्स है, ये टैंगरा फिश है, यहाँ पे है मटन, मटन का ना सिर्फ रिब और सिन्हा के सब पीसेस भी लिया है, और यहाँ पे है चिकन। तो आज मैं चिकन का एक रेसिपी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मटन लाई हूँ आज, सिन्हा और रिब के सारे पीसेस। तो इसको 500 ग्राम्स लाई हूँ, तो 500 ग्राम्स है ना, हम दोनों का दो टाइम का आराम से बन जाता है, चाहे चिकन हो या मटन हो। चिकन भी 500 ग्राम से लाई हूँ, हम दोनों का दो दिन का हो जाएगा। तो मैं उतना ही लाती हूँ जितना हम दोनों का दो दिन का हिसाब से हो जाए। तो ये सब मैं ऐसे बॉक्सेस में ऐसे स्टोर करके फ्रीजर में रख देती हूँ। बहुत ही इजी एंड टेस्टी चिकन का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये एक ऐसा रेसिपी है कि आप कभी भी बना सकते हैं, लाइक 20 to 25 मिनट्स लगेगा इसको बनाने में, क्योंकि मैं इसको कुकर में बनाऊंगी और बहुत ही शॉर्टकट मेथड में आप किसी को भी खिला के एकदम खुश कर सकते हैं। आपके हस्बैंड हो, फैमिली हो, सिर्फ हस्बैंड फैमिली क्यों, लड़के भी ये कुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी, एकदम अपने वाइफ को या गर्लफ्रेंड को खुश कर सकते हैं, बना के सरप्राइज दे सकते हैं। या फिर समटाइम्स क्या होता है ना, घर पे कोई गेस्ट आ जाए, बहुत लोग बाहर का खाना इतना प्रेफर नहीं करते, घर पे अगर चिकन है तो एकदम इजी, मतलब इजी टू कुक है और फटाफट बन भी जाता है, और ये वन पॉट मील बोल सकते हैं, क्योंकि चिकन के साथ आपको सिर्फ एक राइस बनाना है या फिर रोटी पराठा ये सब बना लेंगे तो हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ कि किस चिकन को कैसे मैरिनेट करना। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए बहुत ही सब सिंपल इंग्रेडिएंट्स का जरूरत है। सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, और मैं यहाँ पे एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, वो है चिकन करी मसाला सनराइज का। आप लोग चाहे तो कोई भी ब्रांड का चिकन मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में दूंगी, लाइक 2 टीस्पून। इसके अलावा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। और अभी इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके रख देना है, हो जाता है। अच्छा, एयर टाइट कंटेनर में इसको रख के फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। देखिए, चिकन के लिए सारा प्रिपरेशन मैंने करके रखा है, बाद में खाने से पहले मैं इसको बना लूंगी। 20 मिनट्स मैक्स इसको लगेगा बनने में, और कुकर में ही बनाऊंगी तो जल्दी हो जाए। ट्रिप में जाने से पहले तो बहुत मजा आता है पैकिंग ऑन ऑल, बट जब आने के बाद ये सब अनपैक करना पड़ता है तब ऐसा लगता है ओ माय गॉड।
गोवा से मैंने दिखाना नहीं हुआ था, बट दो ड्रेस खरीदा था, ये एक वाला ड्रेस और ये वाला, दोनों ही काफी अच्छा था, बट ये दोनों पहनना ही नहीं हुआ क्योंकि मैं जो ड्रेसेस लेके गई थी वही पहना था। हालत होता है वहां जाने के बाद, मैं जब सब ट्राई करने बैठी तो देखा बहुत सारी चीजें ठीक से फिटिंग नहीं हो रहा है, जैसे कि ये सारे ड्रेस, ओ माय गॉड, इतने ज्यादा बड़े हुए हैं एंड डिजाइन भी इतना गंदा लग रहा है, पहनने के बाद ही पता चलता है। तो वो सब तो लेके आई हूँ, तो वही देखते हैं अभी क्या क्या रिटर्न करना है, क्योंकि ये भी मैंने घर पे पहनने का एक ऐसा छोटा सा एक शॉर्ट्स और ऊपर ऐसा क्रॉप टॉप मंगवाया था, बट इसका फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अभी देखना है क्या क्या मैं ऑर्डर मतलब रिटर्न करना है, वही मैं चेक कर रही हूँ। कोई भी बाहर हम लोग ट्रिप पे जाते हैं ना, तो आने के बाद हितेश एक बार फिश टैंक को साफ करते हैं, क्योंकि हॉलीडे फूड दे के जाते हैं ना तो उससे थोड़ा बहुत पानी गंदा हो जाता है, तो इसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो क्लीन करने के बाद एकदम बहुत ही क्लियर क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, अच्छा भी लग रहा है ग्रीन में ऐसा ऑरेंज। चिकन को मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है 4 टेबलस्पून जितना, और ऑयल गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे गरम मसाला जो होता है वो इलायची, लौंग और दालचीनी ऐड कर दूँगी। ये एक बार क्रैकल हो जाए देन मैं इसमें फाइनली चॉप किया हुआ ये अनियन ऐड कर दूंगी। अनियन भी हल्का फ्राई होने पे मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को कूट के रखा है वो ऐड करूंगी, एंड ये जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब मैं यहाँ पे ये टोमेटो ऐड कर दूंगी। मसाले अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गया है, तो मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगी मैरिनेट किया हुआ चिकन और साथ में थोड़े से आलू को मैंने फ्राई कर लिया था, ये भी साथ में ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करना है मसाले के साथ एंड थोड़ी देर के लिए भूनना है मीडियम फ्लेम में। जब ये अच्छे से भून जाए देन मैं इसमें गरम पानी ऐड करूंगी और सीटी लगा दूंगी 2 से 3। चिकन को अच्छे से मैंने भून लिया, अभी मैं इसमें थोड़ा वार्म वाटर ऐड कर दूंगी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से वाटर ऐड करना है। तो हम लोग राइस के साथ खाएंगे तो मैं थोड़ा ज़्यादा वाटर ऐड कर रही हूँ, बाद में चाहे तो इसको ड्राई भी कर सकते हैं। हल्का सा मिक्स, अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी। एक बार पानी उबल जाए देन इसका कुकर का ढक्कन बंद करके जस्ट 2 to 3 whistle लगा लेना है।
चिकन आज का सुपर बना था। ऐसा लग रहा था कि मतलब वो गाउटी स्टाइल में चिकन होता है ना, ऐसे हाईवे के ढाबा वगैरह में मिलता है, वैसा थोड़ा बहुत था टेस्ट। एकदम गांव का, एकदम घर का जैसा, बहुत टेस्टी। ऑफकोर्स घर का ही तो है, बट बहुत अच्छा बना था। और हाँ, मेरा किचन रिलेटेड सब काम कंप्लीट हो गया है। अभी आराम से शांति से बैठ के हम लोग मूवी एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, डेफिनेटली मैं ग्रीन टी के साथ, इसके साथ हम मूवी को एंजॉय करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना, एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। You said that you needed me like a car.